दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आदाब नाज़रीन, आप तमाम का 18 तेलंगाना न्यूज में खैर मकदम है। मौलाना जाफर पाशा ने रद्द अमल का इजहार किया और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का बिल पेश किया जा सकता है। पेश है 18 तेलंगाना न्यूज़ से यह खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ातरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हुकूमत ने फिर एक बार अपना एक नया जलवा लेकर हमारे सामने आई है और ये हुकूमतें जब से आई है मुझे हैरत ही होती है कि कौम के लिए कम अपने मकासद ये सामने रखते हैं और अपने मकासद के लिहाज से ही फैसले करते हैं। इनको आवाम से दिलचस्पी है ना हिंदुस्तान के लोगों से दिलचस्पी है, बल्कि ये जिधर दिलचस्पी लेना चाहते हैं वही अमल कर लेते जाते हैं। अब मौजूदा हालात में इन्होंने एक नई बिल ला ली और नई बिल लेकर आकर फिर एक नया परेशानी का हमारे सामने मसला खड़ा कर दिया और वो मसला ये है कि अब हमारे को ये बताया जा रहा है कि 21 साल में बच्ची की शादी की जाए। हमारे इस्लाम में बच्ची की उम्र की कोई कैद नहीं है, हमारे पास बच्ची का बालिग होना ज़रूरी है, मगर मौजूदा हालात में आपका जो पहले से कानून था हम उस कानून को 18 साल के पूरे तरीके से कानून के लिहाज से चलते आए हैं, मगर ये हालात आप फिर ऐसे पैदा कर रहे हैं कि आजकल 14-15 साल की बच्ची आजकल जो है हालात का शिकार हो रही है और एक ना एक मुसीबत सामने लाते जा रही है। माँ बाप उसी के लिए परेशान हैं। 18 साल की उम्र तक तो बहुत बड़ी बात है, अब 21 साल की उम्र आप कर देंगे तो यकीनन और मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा हमारी हुकूमतों को चाहिए कि जो अवाम के फ़ायदे के लिए है वो फैसले करे, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जो फैसला चाहे कर ले। और असल क्या है, जो बैठने वाले कुर्सियों पे इनको बीवी है ना बच्चे है और है तो भी इनको मालूम ही नहीं कि कैसा क्या किसका ख्याल कैसे रखना है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ ये जो बिल है आप वापस लीजिए, वरना फिर और मुसीबतें जो खड़ी होगी आपके लिए आप तसव्वुर नहीं कर सकती। आज देखिए आज नए नए चीज़ें हमारे सामने आ रहे हैं और आपके जो कानून बनाने वाले हैं औंधे चित्ते कानून हमारे सामने पेश करते जा रहे हैं। हम ऐसे कवानीन को मानते नहीं जो हमारे लिए हमारे हिंदुस्तान की तह जो मेजॉरिटी है और जो माइनॉरिटी है दोनों के लिए भी कबूल नहीं है। और ये हम हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि ऐसे कवानीन ना लाए, कभी शहरों के नाम बदल देते हैं, कभी कुछ अकड़ देते हैं। अब तो इन्होंने ये समझ लिए हैं कि अब कोई है नहीं इनका पूछने वाला, मगर याद रखो मियाँ हमारे को भी बोलना आता और हम भी इंशाल्लाह इसमें बोलेंगे और एजिटेशन करेंगे, जो भी करना है करेंगे। हुकूमत खुद ये अमल ना करे जिससे हमको तकलीफ पहुँचे, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करे और उस कानून को बर्खास्त करे। और जो पुराना कानून है जिसमें अब आप ही के जैसे कानून में है 18 ईयर्स के बच्चा वोट डाल सकता है, MP चुन सकता है, MLA चुन सकता है, वज़ीर आज़म को चुन सकता है और दीगर कामों में आप 18 ईयर्स की उम्र रखे थे, अब एकाएक आपने 18 से 21 कर दिया, जबकि 18 के बच्चों को भी वोट डालने का हक है, तो फिर आप ये पाबंदी लगा के क्यों मुसीबतें बढ़ाना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे कवानीन को आप जो बना रहे हैं आवाम पसंद नहीं करेगी और आवाम इसके लिए आपका मुँह तोड़ जवाब देगी और आपको खुद संभलना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और इलेक्शन में आपके ये जो हरबे हैं हमारे काम आएंगे नहीं, बल्कि आपको मुसीबत और बढ़ जाएगी। और हमारे लिए मुसीबतों को मत खड़ा कीजिए, वरना आपके लिए भी आपकी हुकूमत के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाने अबायास एंड हिजाब सेंटर, यहाँ पर तमाम ब्रांडेड और बेहतरीन क्वालिटी के हम अकसाम के ब्रांडेड बुरखे और हिजाब कम से कम और वाजबी दामों पर दस्तियाब है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमारी शॉप तिलक रोड एबिट्स पर मौजूद है और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके राब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8125361079।